हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंगी मजदूरी के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों में खचाखच भरकर जा रहे हैं मजदूरी पर। सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब उड़ रही है धज्जियां। शहर के काश्तकारी वर्ग से जुड़े मजदूर इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों में खचाखच भरकर खेतों में मजदूरी के लिए जा रहे हैं। ऊंची मजदूरी के कारण इन लोगों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से भी कोई डर नहीं है। जहां पर मजदूर सुबह मजदूरी के लिए एकत्रित होते हैं, वहां पर ज्यादातर मजदूरों के मुंह पर मास्क तक नहीं लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों में खेतों में मेहंदी की नई फसल आई हुई है, जिसकी कटाई की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सोजत में मेहंदी कटाई ऊंची दामों पर होती है। करीब 4 दिन पहले मेहंदी कटिंग का काम शुरू हुआ था, जिसकी पहले दिन मजदूरी 800 से 1000 के बीच थी। इससे पहले भी फसल को तैयार कराने में निराई गुड़ाई के लिए भी पिछले 2 माह से लोग खेतों में काम के लिए जाते हैं, लेकिन लापरवाही और नासमझी के कारण वे भेड़ बकरियों की तरह पिकअप, टेम्पो, मिनी ट्रक आदि अन्य लोडिंग वाहनों में ठूस ठूस कर भरे जाते हैं, जिन पर पुलिस व प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां मजदूर बिना मास्क और बिगड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खेतों में काम पर जा रहे हैं। बाहरी मजदूरों से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। सोजत क्षेत्र में ऊंची मजदूरी के कारण बिहार, यूपी, एमपी एवं प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से हजारों की संख्या में बाहरी मजदूर इन दिनों मजदूरी के लिए सोजत आ रहे हैं, जिनसे कोरोना का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। क्योंकि मजदूर वर्ग से जुड़े लोग कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसे में शहर में कोरोना संक्रमण तेज गति के साथ बढ़ने की संभावना है। इसका मुख्य कारण मजदूरों के मुंह पर मास्क नहीं होना व बिगड़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी इसकी मुख्य वजह है। इन स्थानों पर इकट्ठा होते हैं मजदूर, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जरूरी। मेहंदी कटाई को लेकर यहाँ के जोधपुरिया गेट के बाहर व पाली दरवाजा के बाहर सैकड़ों की संख्या में मजदूर सुबह 6 बजे से पहले मजदूरी के लिए एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता को देखते हुए पुलिस के जवानों का जाप्ता पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी अथवा प्रशासन की ओर से किसी भी कर्मचारी की तैनातगी नहीं होने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है और कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।